नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में, प्रीति दुमका ब्लॉग में। तो कल हमारे माता हरेला, तो आज मेरी मम्मी लोग और मेरी भाभी और मेरे भैया हमारे लिए लाया है हरेला। और हैदराबाद से मेरी दीदी भी, हमने वीडियो कॉल में ले लिया है दीदी को भी। तो मम्मी लोग हमको हरेले का त्योहार लेकर आए हैं। हुए बड़े खीर अभी मैं यहाँ पे नहीं लेकर आई क्योंकि गर्म है पूरी। और मिठाई भी लेकर आई है और विवाह के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आई है। और अब दीदी के पास क्या करें, दीदी हैदराबाद है तो दीदी के पास जा नहीं सकता है। तो हम हरेला पहनाते हैं, मम्मी पहनाएगी। मम्मी पहना रही है बच्चों को हरेला, पर बच्चों को सब्र नहीं है। तेरे को भी बनाना दे रहा है 3 बार भी बनाना है भैया को भी, ठीक है? जैसे नानी बना रही थी भैया को, आप ऐसे बनाओगे ऐसे अब करके पहना। ये। अब ऐसे ही आप भी बनाओ भैया को। हाँ, ये सर में रख दो भैया के। भैया रुको, अभी खाओगे, रुको। रखो भैया, देखो दीदी क्या कर रही है, हाथ हरे जोड़ो, अरे भैया भैया का खाए का मिठाई पर खिलाऊंगी तुझे, तो खा पहले। तेरे को पहना है मुझे। चलो आओ अब भैया, आपका टर्न। खत्म होने वाला है, बस हो गया, हो गया। अब तो पहना रही है विवा की माई विवा को हरेला। ये अब माई के पाँव कौन छुएगा? अभी इतना बड़ा ओ हो गया ना, बाबा, भैया तो काम कर रहे हैं, किचन किचन खेल रहे हैं दो के दो भाई बहन। ये दिख रहे हैं। हाँ, भैया ने कर दी है शैतानी। बच्चे को खानी है मिठाई। नक्शु क्या चाहिए भैया आपको? मिठाई? दोनों भाई बहनों को मिठाई चाहिए? भैया आप क्या कर रहे हो? लगता है सारी मिठाई भैया ही खाने वाला है। दोनों को दे रही हूँ, ये लो आओ। खुश भैया, मिल गई मिठाई आपको? कैसी हो रही है? अच्छा हो रहा है मिठाई? क्या मिला, क्या मिल गया बाको? आपको मिठाई अच्छी लगती है? अच्छा, भैया और अब मम्मी लोगों ने पहना दिया हमको हरेला, बच्चों ने खा लिया मिठाई, क्योंकि मिठाई मिठाई करके इतना खुश हो गए हैं दो के दो। और जब हरेला पहनाते हैं तो हमारे यहाँ जो हरेला पहनाता है वो बोलता है, जी रया जागी रया, यो दिन बार भेटने रया, दुबक जस जड़ है जो, पात जस पौल है जो, श्याल जस बुद्धि है जो, बाघक जस त्राण है जो, हिमालय जस हिमालय में हूँ हुन तक, गंगा में पानी छन तक, हरेलक त्यान मनाते रया मनाते रया मनाते रया। इसका अर्थ है जीते रहना, मतलब जीते रहना, बड़े हो जाना दिन भर, ये मतलब दिन में ये दिन जब भी हरेला आएगा कि भेटते रहना, और श्याल की जैसी बुद्धि होना, और हिमालय का जैसा, जब तक हिमालय है तब तक रहना, और जब तक गंगा में पानी है तब तक जीते रहना, और हर साल हरेले में आना भेटना।
यही सब बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, हमारे वहाँ लड़कियाँ अपने मायके जाती हैं, जिनकी शादी हो गई है वो मायके जाती हैं त्यौहार में, और फर्स्ट वाले में तो जाती ही हैं त्यौहार लेके। और आज से क्या होता है, पहाड़ी मतलब जो हमारा उत्तराखंड है, कुमाऊँ है, वहाँ पे से सावन स्टार्ट हो जाता है हमारा। हम वैसे तो सावन पहले स्टार्ट हो जाता है पूर्णिमा से, पर हम लोगों का जो होता है वो आज से हरेले के दिन से स्टार्ट होता है। हरियाली का प्रतीक है हरेला, फसलों का हरियाली सब, इसी वजह से हरेला मनाया जाता है।